हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में दिवाली महापर्व और शादियों के सीजन के चलते बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। साथ ही बढ़ती भीड़ कोरोना संक्रमण को न्योता देती नजर आ रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और मेडिकल एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाड़मेर पुलिस बाजारों में मोर्चा संभालते नजर आए। पुलिस बलों ने महिला सेल डिप्टी सीमा चोपड़ा की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकालकर आमजन और दुकानदारों त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ मेडिकल एडवाइजरी की पालना के लिए जागरूक किया। वहीं पुलिस बलों ने शांति व्यवस्था भंग करने एवं नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। महिला सेल डिप्टी सीमा चोपड़ा ने बताया कि त्योहारों और शादियों की सीजन के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार बाड़मेर पुलिस ने शांति व्यवस्था और मेडिकल एडवाइजरी की पालना के लिए शहर के बाजारों का राउंड लिया और आमजन के साथ दुकानदारों से अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ कोरोना बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करें ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण से भी बचा जा सके। शहर के अहिंसा सर्कल से शुरू हुए पुलिस के इस फ्लैग मार्च ने मुख्य स्टेशन रोड, गांधी चौक, सदर बाजार समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों में दुकानदारों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही राहगीरों एवं दुकानदारों से समझाइश करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने की हिदायत एवं बिना मास्क पहने राहगीरों एवं दुकानदारों को मास्क भी बांटे। फ्लैग मार्च के दौरान शहर कोतवाल प्रेम प्रकाश, महिला थाना अधिकारी लता बेगड़, यातायात प्रभारी लील सिंह समेत पुलिस बल और आरएसी के दर्जनों जवान मौजूद रहे। दीपावली और धनतेरस के त्यौहार को देखते हुए कानून व्यवस्था की मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब के आदेशानुसार कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के जो कोरोना महामारी से संबंधित राज्य सरकार का जो आगे अभियान है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम लोग, ताकि कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी और ये जागरूकता एक तरह से जागरूकता का फ्लैग मार्च है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।